मुंह के अंदर जाने के बाद ये फटता है। अच्छा। तो फटने के बाद उसके अंदर से जूस आता है, इसीलिए ये पॉपिंग बोबा बताता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुभमर, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू आहार 2023। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे स्टॉल पर जो बबल टी मैन्युफैक्चर करते हैं, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ में हो या इस तरह की प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्कार, वी आर फर्स्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ बबल टी इन इंडिया। आवर फैक्ट्री बेस्ड इन बैंगलोर, वी आर डूइंग पॉपिंग बोबा, बोबा, टपियोका पेल्स, प्लस ऑल वेराइटीज ऑफ पाउडर मिक्स, देन स्पेशली द पॉपिंग वंस। द पॉपिंग वन इज़ वन ऑफ द ट्रेंडिंग इन द मार्केट नाउ। बबल मीन्स ताइवान में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ 1980 से। बबल मीन्स बबल टी में यूज़ किया उन लोग, लेकिन इंडिया में हम ऐसा इंट्रोड्यूस किया है, यूज़ करते हैं शेक में, लस्सी में, टी में, कॉफ़ी। इन मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग बोबा इन कॉफ़ी, कॉफ़ी में भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन उसी तरह अभी नया ट्रेंड आ रहा है पॉपिंग बोबा। पॉपिंग बोबा में हमारे पास हर वैरायटी है, अप टू 30 वैरायटी में पॉप मिल सकते हैं हमारे पास। फिर है हमारा ये पाउडर मिक्सेस, पाउडर मिक्सेस ये ताई टी में आता है, ताई टी आता है, ताई टी प्री मिक्स आता है, फिर माचा, टारो, हनी ड्यू, फिर चॉकलेट में, कॉफ़ी में, स्ट्रॉबेरी, बीटरूट, ऐसा पाउडर भी है। फिर हमारे पास एक स्पेशल पाउडर है वंडर मिक्स। वंडर मिक्स नॉर्मली आपने एक ड्रिंक बनाता है, उसमें मैंगो ऐड किया, उसके बाद नीचे एक स्ट्रॉबेरी ऐड किया, तो फ्यू मिनट में वो कॉकटेल बन जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, मैंगो उधर ही रहेगा, स्ट्रॉबेरी उधर ही रहेगा, जब तक आप स्पून नहीं तो स्ट्रॉ से नहीं मिक्स करते तब तक वो उधर ही रहेगा। फिर उसके अंदर आप ये पाउडर मिक्स है, पाउडर मिक्स है, इस तरह के पैकेट में ये आएंगे, ये पूरा हाफ केजी। बेसिकली ये आप मैन्युफैक्चर करते हैं? ये पूरा हम मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा है जेली है, जेली भी ये टॉपिंग है, अभी आइसक्रीम में कर सकते हैं, जूस में कर सकते हैं, ये कोकोनट जूस में डाल सकते हैं, उसी तरह उसका भी एक 12 वैरायटी आता है। दूसरा है नाटाडी कोको, ये भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेंगलोर में। ये स्पेशली यूज़ होता है मॉकटेल में, कॉकटेल में, प्लस ऑल टाइप ऑफ मोहीटो में सबसे ज़्यादा जाएगा। अभी इसका ट्रेंडिंग है, बहुत सारे इंपोर्ट जूस आता है बाहर से, ताइवान से, वो में हर लीची सिक्वेस आता है, वो आप रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। दूसरा है टपियोका पेल्स। टपियोका पेल्स है हम इंडिया का पहला मैन्युफैक्चरर है। टपियोका पेल्स में इट इज़ वाइडली यूज इन द बबल टी सेगमेंट। अभी बबल टी में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी में यूज़ कर सकते हैं, शेक, लस्सी, आप किधर भी इसको सूट कर सकते हैं। ये आपको कुक करना पड़ता है, एक 8 मिनट का कुकिंग टाइम है हमारा आइटम, 8 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद कूलिंग करना है, कूलिंग के बाद आपको सर्विंग के लिए हम ट्रेनिंग देता है। तो ये पूरा ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको एकदम अच्छा बबल टी ड्रिंक्स कॉन्सेप्ट में बना सकता है। बबल टी एक कॉन्सेप्ट है, बबल टी मीन्स हर आइटम टी नहीं है। अभी आप टारो लिया, टारो में हम इधर टी नहीं डाल रहे, लेकिन वो उसका कॉमनली कॉल करता है बबल टी, लेकिन हम ये सब बबल टी सेगमेंट में आता है, इसीलिए बबल टी बोलता है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट ये टपियोका स्टार्च है, इसमें टपियोका स्टार्च है, प्योर टपियोका स्टार्च और शुगर केन का इसमें बनता है, तो थोड़ा बहुत शुगर भी है, लेकिन वेरी माइल्ड क्वालिटी क्वान्टिटी में है। ये हेल्थ वाइज अगर देखे गया तो टपियोका अच्छा ही है। हम दूसरा स्टार्च से कंपेयर करते तो टपियोका इस फुल्ली कार्बोहाइड्रेट है। तो ये मार्केट में नया कॉन्सेप्ट भी है, लोगों को काफ़ी लोगों का अभी ट्रेंडिंग हो रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे बड़ा बड़ा ब्रांड भी अभी शुरू किया है, ITC जैसा, ताज जैसा, सब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट अभी 1000 रेस्टोरेंट के ग्रुप है, उन लोग भी यूज़ कर रहे हैं, छोटा छोटा रेस्टोरेंट भी है। हमारे पास स्ट्रीट वेंडर से लेके 5-star होटल तक हमारा क्लाइंट्स है। और सारे जो भी फ्लेवर आप मांगोगे उस फ्लेवर में अभी पाउडर में जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पॉपिंग बोबा में आप कितना भी फ्लेवर पूछेगा वो मिलेगा। इवन कस्टम मेड भी बनाता है, मैं इसमें हम मिर्ची बनाता है, टमाटो पेस्ट बनाता है, तो ये एक अभी चिल्ली बनाता है, वो आपको सैलड में भी यूज़ कर सकते हैं।
इंस्टेड ऑफ चिली पीस डालने से ये आप पॉपिंग डाल सकते हैं, तो एक अलग डिफरेंस कैटेगरी में आ जाएगा। ये पॉपिंग बॉल्स है, ये बॉल हाथ में आ गया, ये मुंह पे आता है तो फटता है, मुंह के अंदर जाने के बाद ये फटता है। अच्छा। तो फटने के बाद उसके अंदर से जूस आता है, इसीलिए ये पॉपिंग बोबा बताता है। अच्छा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, मुंह पे आगे ये बड़ा स्ट्रॉ से आएगा, सो आपको एक स्पेशल फीलिंग आएगा पॉपिंग का। अच्छा, ये स्ट्रॉ के थ्रू, ये स्ट्रॉ, ये स्पेशल स्ट्रॉ है, ये 12 mm डायमीटर स्ट्रॉ है, इससे थ्रू ये आएगा। इसके लिए भी स्पेशल स्ट्रॉ और स्पेशल कप चाहिए। हाँ। अच्छा। अभी पैकेजिंग मटेरियल इंडिया में बैंड है, वन टाइम यूसेज, सो हमने पेपर किया है। अच्छा। ये रीयूसेबल कप है, उसका अंदर 12 mm डाया जा सकते हैं, तो ये स्पेशली बबल टी के लिए एक ग्लास भी बनाया है। तो बेसिकली जो भी ये जो भी आपने यहाँ चालू कर रहे हैं तो उनके लिए ये पूरा पैकेज मिल जाएगा, पूरा पैकेज मिलेगा। तो ये सारे बबल फॉर्म में है, ये सारे बबल फॉर्म में है, ये सारे प्रीमिक्सेस है, ये जेली है, नाटाडी कोको है, बोबा है। तो यहाँ पर जैसे इसमें क्या क्या फ्लेवर है यहाँ पर? इधर हमारा 30 का ऊपर फ्लेवर आता है, ये नॉर्मल होल फ्रूट फ्लेवर मिल जाएगा। अभी चाट के लिए आ रहे हैं, अभी चाट में भी यूज़ करने के लिए अभी कॉन्सेप्ट आया है, प्लस सैलड के लिए आया है। जैसे इसकी अगर पैकेजिंग देखे, कितने कितने ग्राम की क्या ये पॉपिंग बाबा, अभी इंपोर्ट आता है 3.5 kg, हम इधर पैकिंग और ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए 2.5 kg का कंटेनर बनाया। हाँ, एक बॉक्स में आपको 4 फ्लेवर भी ले सकते हैं। और अगर प्राइस रेंज को लेकर देखें, प्राइस रेंज देखेगा तो हमारा 370-400 रुपीस में आता है पर केजी। बेसिकली ये B2B में है, ये B2B में है, B2B में। तो वहाँ पर जैसे जो भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, तो वो आपसे जुड़ सकते हैं और ये पूरा पैकेज आपसे मंगवा सकते हैं। कुछ प्रोसेस क्या रहता है आप? पूरा प्रोसेस, हम पूरा ट्रेनिंग उनको इन हाउस ट्रेनिंग, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं उनको। बहुत सारे दिक्कत उनको आने वाला है, वो सब हम क्लियर करके देते हैं। फिर रेसिपी में हम इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी हमसे लेके एक ही रेसिपी यूज़ किया था, अच्छा नहीं है, रेसिपी उनको खुद बनाना पड़ता है। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत? सब ये FSSAI सर्टिफाइड है पूरा प्रोडक्ट, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, पूरा वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है। आप लोग मैन्युफैक्चर कहाँ करते हैं सर? बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन हमारा ब्रांच दिल्ली में है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी है दिल्ली में, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है वो भी हम दे सकते हैं। अच्छा, ये भी है कि अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करना चाहते हैं, एज ए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वर्क करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, और एज ए अगर डायरेक्टली कस्टमर आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो होटल एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, वो जो ने अपने यहाँ नया कंसेप्ट लाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसके बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में जो भी आपके कस्टमर हैं जिनको आप कैटर कर रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा वेबसाइट पे नंबर है, नहीं तो हमारा डायरेक्ट नंबर है, आप हमारा कार्ड उनको दे सकते हैं, इसमें टेक्निकल इसमें फ़ोन किया तो उनको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सेल्स का सेपरेट डिवीजन है, ट्रेनिंग का सेपरेट डिवीजन है, और कॉल सेंटर नंबर है, ट्रेनिंग का सेपरेट डिवीजन है, हम पूरा ट्रेनिंग, क्योंकि अभी कस्टमर जब बनाता है तो कुछ दिक्कत आता है, तो दे कैन कॉल मी फ्रॉम 2 PM to 12 AM। तो ये है नया कंसेप्ट, ट्रेंडिंग कंसेप्ट। अगर आपने यहाँ आप चालू करना चाहते हैं, या अगर आप B2B बिजनेस में भी आना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके सॉल्यूशंस है वो आपके दूर कर दिए जाएंगे, और ये नया कंसेप्ट अपने यहाँ आप खड़ा कर सकते हैं। चलिए सर, थैंक यू सर बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।